महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी विधायक नवाब मलिक को सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल करने का विरोध किया है। इसके एक दिन बाद विपक्ष ने बीजेपी नेता पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और पूछा कि सांसद प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बारे में उनका क्या रुख है। दरअसल गुरुवार को विपक्ष ने नवाब मलिक के सत्ता पक्ष की पीठों पर कब्जे को लेकर हंगामा किया था और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ उनके संबंधों के आरोप लगाए थे। शुक्रवार को फडणवीस को लिखे गए एक पत्र में शिवसेना यूबीटी के अंबादास दानवे ने कहा कि ईडी ने दाऊद के सहयोगी इकबाल मिर्ची के साथ कथित वित्तीय लेनदेन पर पटेल की संपत्ति जब्त कर ली थी, फिर भी उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीरें सामने आई थी। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी प्रफुल्ल पटेल पर सवाल उठाया और पूछा कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद भाजपा अजीत पवार के साथ कैसे ठीक है। उन्होंने कहा कि क्या मलिक को इसलिए अलग थलग किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। आपको बता दें कि नवाब मलिक को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली है। गुरुवार को वो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाग लेने भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सत्ता पक्ष की बेंच पर अपनी गद्दी ग्रहण की। तभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो एनसीपी के अजीत पवार गुट में शामिल होंगे। हालांकि इस बात पर संशय बरकरार है कि मलिक अजीत पवार के साथ हैं या फिर शरद पवार के। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।